एफआईआर कटवा दी है। जरूरत पड़ी तो इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये चीजें जो नुकसान हुआ सरकार का वो उसको भरना पड़ेगा। वन कंट्री वन लॉ होना चाहिए। इमरान खान ने रिहाई के बाद एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि जितने भी वाकयात हुए हैं, चाहे वो जिना हाउस पर बेईमाना हमले का वाकया हुआ हो या बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में वाकयात हुए, उसने कहा कि जी ये उसने एक इदारे का नाम लिया इमरान खान ने कि इदारे के लोग उसमें थे, मेरे लोग उसमें नहीं थे। फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने बोला जी कुछ मैंने वर्कर्स देखे थे। अब मैं आपको वादे करता चलूं कि ना किसी इदारे के लोग थे, ना वो खाली वर्कर्स थे, पीटीआई के लीडर्स इस पूरे वाकयात के पीछे थे। ये हमने पीपुल्स बस सर्विस में तो हमने एफआईआर कटवा दी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस एफआईआर को परसू किया जाए और हो भी रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है। जैसे ही तखमीने आ गए हैं तो डेफिनेटली ये नहीं है कि किसी को सजा देनी है। सजा तो आप भले उसकी क्राइम की दो, लेकिन जो नुकसान हुआ है हर बार क्यों सरकार भरती रहेगी? एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे खुदा न खादा पूरे मुल्क को आग लगा दे और सरकार को बोल के भर के दे दे। जैसे मैंने आते ही ऐलान किया कि जो मोटरसाइकिलें गरीब लोगों की जलिए सरकार भर के दे दी। सरकारें मतलब क्या करती रहेगी? मतलब कि मैं जलाता रहूं आप ठीक करते जाएं, मैं चीज़ें खराब करता रहूं आप ठीक करते जाएं, मैं खुदा न खास्ता ये कैमरा किसी का तोड़ दूं बोलो जी के टीवी का टीवी वाले बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? अगर मैंने तोड़ा तो मुझे बनाना चाहिए था। अगर मैंने कोई चीज़ गलत काम किया तो उसको भुगतना भी मुझे चाहिए, उसको भरना भी मुझे चाहिए। इसी तरीके से जिन्होंने ये चीज़ें अभी हम भर रहे हैं, जिनको मोटर अब वेट नहीं करेंगे, जिन लोगों की मोटरसाइकिलें गरीबों की, बेचारे अपने रोजगार पे जाते होंगे, अपने काम के लिए जाते होंगे, कोई पता नहीं अपनी फैमिलीज को लेके जाता हो, अपने बुजुर्गों को हॉस्पिटल लेके जाता होगा, हर शख्स के 100 किस्म की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा खरीदेंगे, खरीद के लोगों को देंगे, लेकिन जिनसे भरवाना है उनके अच्छों से भी भरवाएंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो भी पीटीआई के एमपी एमएलए वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, वो छुपे हुए हुए हैं ऑपोजिशन लीडर समेत। सुना है ऑपोजिशन लीडर काफ़ी जगहों पे माफ़ी की दरख्वास्तें भिजवा रहे हैं। हाँ सुना है ये मैंने कि माफ़ी की दरख्वास्तें उनकी फैक्स हो रही हैं, टीसीएस हो रही हैं और इंटरनेट के ज़रिए जा रही हैं कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये बसें उन्होंने जब हमें ख़रीद के देंगे तो फिर उनको बाकी चीज़ें सोची जा सकती हैं, ये उन्होंने खुद भरनी पड़ेंगी। मैंने कहा कि ये मैं पीटीआई वालों से भरवाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये चीज़ें जो नुकसान हुआ सरकार का वो उसको भरना पड़ेगा। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम को एक नज़र से देखा जाए। जो भी लोग बटे, हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तमाम अदालतों का बहुत ज़्यादा एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर कोर्ट का बहुत ज़्यादा एहतराम है, लेकिन बराए मेहरबानी वन कंट्री वन लॉ होना चाहिए, एक मुल्क एक कानून होना चाहिए।